दिल्ली में आज द सॉन्ग ऑफ सियोनी की प्रस्तुति में डीपीएस साकेत के विद्यार्थियों ने जंगल की कहानी को मंच पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से पेश किया। 300 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने सस्टेनेबिलिटी थीम पर आधारित कार्यक्रम में मंच जंगल के हर जानवर का किरदार निभाया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। द सॉन्ग ऑफ सियोनी, एक जंगल की कहानी जिसे मंच पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से पेश किया चौथी क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने। जी हाँ, डीपीएस साकेत के 300 से ज्यादा विद्यार्थियों ने मंच पर इस तरह से अपना किरदार निभाया कि प्रोफेशनल कलाकारों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। खास तौर पर छोटे बच्चों ने तो हर किसी को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। कमजोर समझने की मत करो गलती, इस समस्या का हल निकालो जल्दी। सही कहा, हम अपनी ताकत से 1 और 1 11 बनकर दिखाएंगे। ये भेड़िए अपने आप उल्टे पांव लौट जाएंगे। ये रडयार्ड किपलिंग का जंगल बुक का एक अडेप्टेशन है और हमने इस थीम को लेकर के, ये तो मोगली का कहानी है, उसके साथ साथ हमने सस्टेनेबिलिटी का भी थीम रख करके एक प्ले बनाया। सब कुछ इन हाउस है, स्क्रिप्ट भी हमारे स्टाफ ने ही लिखा और सारा डायरेक्शन और एक्टिंग सब कुछ हमारे इन हाउस ही है। क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक बच्चे थे स्टेज पे आज, और करीब 300 बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस प्रस्तुति में स्थानीय हाथियों का प्रमुख और जंगल कानून का रक्षक दिखाया गया। इसके अलावा इस पूरी कहानी में प्रमुख पात्र मोगली यानी कि एक मानव बच्चा रहा जिसे भेड़ियों, बघीरा और भालू द्वारा पाला गया। वहीं शेर खान निर्दयी, आक्रामक, हिंसक और अहंकारी दिखाया गया, लेकिन अंत में जीत मोगली की दिखाई जाती है। द सॉन्ग ऑफ सियोनी जंगल बुक पर आधारित है। यहाँ बच्चों ने जंगल के हर जानवर का किरदार बखूबी निभाया। इस तरह के कार्यक्रम न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि बच्चों के बीच प्रकृति और पर्यावरण का भी अच्छा संदेश जाता है। यहाँ सस्टेनेबिलिटी थीम पर आधारित पेश किए गए कार्यक्रम ने एक अलग छाप छोड़ी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।